क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कम्बाइंस विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड विद 6 ग्राम ऑफ कार्बन टू फॉर्म मिथेन। तो यहाँ इसको एक बार अगर लिखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना मास गिवन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कम्बाइन होता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन से कम्बाइन होता है और वाटर फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म किया। इसी तरह से 6 ग्राम कार्बन के साथ में कम्बाइन होता है, 6 ग्राम कार्बन के साथ कम्बाइन होता है, 6 ग्राम और फॉर्म करता है मिथेन, मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4। आगे बोलता है, इन कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम ऑफ कार्बन आर कम्बाइंड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दीज फिगर्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ। यहाँ पे नेक्स्ट जो बोलता है कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं कार्बन के 12 ग्राम, कार्बन के 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ में कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पे ये कौन सा लॉ इलस्ट्रेट हो रहा है, कौन सा लॉ ऑब्वे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का फिक्स मास, हाइड्रोजन का फिक्स मास मतलब 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से और कार्बन के 6 ग्राम से कंबाइन होता है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होंगे तो इसी रेशो में या इसके सिंपल रेशो में या इसके मल्टीपल रेशो में ही कंबाइन होंगे। यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, कार्बन का यहाँ 6 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो इसी के सिंपल रेशो में कंबाइन होंगे, जो कि क्वेश्चन में आगे गिवन है 32। कार्बन का जो रेशो देखा है दे रखा है 32, और ऑक्सीजन का कार्बन का रेशो जो दे रखा है वो 12 और ऑक्सीजन का जो रेशो दे रखा है 32। मतलब इसका अगर हम डबल करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो ये हमारे पास रेशो आता है। और ऐसे फिगर्स जो होते हैं वो कौन से लॉ को इलस्ट्रेट करते हैं, वो इलस्ट्रेट करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। आप लैंग्वेज देख के इसमें आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन, और यहाँ पे मिथेन वाटर और CO2 का भी जिक्र किया हुआ है। तो यहाँ पे 3 कंपाउंड्स हैं और 3 एलिमेंट्स हैं, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस हो सकता था। और हमने डेटास के थ्रू भी इसको एनालाइज करके देखा तो भी हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस सही आ रहा है। तो ये जो गिवन डेटा हैं वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को ही इलस्ट्रेट करते हैं।